याकूब मेमन पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। उसने अदालत में एक याचिका दी है जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन खारिज किए जाने और टाडा के डेथ वारंट को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने 3 जजों के एक बेंच का गठन किया है जो आज सुनवाई करेगी। मंगलवार को याकूब मेमन की याचिका पर 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों की राय में अंतर की वजह से मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस अनिल आर दवे डेथ वारंट पर सहमत थे तो जस्टिस कुरियन जोसेफ ने अपनी असहमति जताई। जस्टिस दवे की राय थी कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फिर से सुनवाई करने की अब जरूरत नहीं रही, वो स्टेज आगे निकल चुका है। वहीं जस्टिस कुरियन ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में हुई खामी को दूर करना जरूरी है, ऐसा नहीं हुआ तो इस संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का साफ तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। याकूब मेमन को जारी डेथ वारंट के मुताबिक गुरुवार की सुबह 7 बजे उसे फांसी दी जानी है। उससे पहले मेमन के परिवार वाले नागपुर जेल पहुंचे और मुलाकात की। हालांकि याकूब के चचेरे भाई उस्मान मेमन ने भी मुलाकात पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार गुरुवार को रामेश्वरम में उनके पैतृक गांव में होगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। आज उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम ले जाया जा रहा है। दोपहर में पार्थिव शरीर को उनके पुश्तैनी घर हाउस ऑफ कलाम में और फिर खुले मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने 30 जुलाई को छुट्टी की घोषणा की है। एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद रामेश्वरम में मातम पसरा है। वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, लोगों में मायूसी है, स्कूल के बच्चे गम में डूबे हैं। शिलांग में निधन के बाद मंगलवार को कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। पालम एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को राजाजी मार्ग पर स्थित आधिकारिक निवास पर भी रखा गया। वहां अमित शाह, सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एक रत्न खो दिया, लेकिन उसकी चमक से हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पीएम ने उन्हें देश के डिफेंस प्रोग्राम का हीरो बताते हुए कहा कि परमाणु और अंतरिक्ष में उनके योगदान की बदौलत ही हिंदुस्तान ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है। सोमवार की रात 7:45 पर कलाम का निधन हुआ था। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और सरकारी निवास पर रखा गया तो अपने चहेते राष्ट्रपति को नमन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़े बुजुर्ग, स्कूली बच्चे सभी आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोगों ने गीत संगीत गाकर उन्हें याद किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से शोक में डूबे कलाकारों ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में कलाकारों और बच्चों ने उनकी तस्वीर बनाई और उनके संदेशों को कैनवस पर उकेरा। रांची में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते वक्त झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव रो पड़ी। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने बीते 20 जुलाई को हजारीबाग के स्कूल में डॉक्टर कलाम की फोटो पर माला चढ़ाई थी, जिस वजह से बड़ा विवाद हुआ था। हालांकि शिक्षा मंत्री ने बाद में सफाई दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने बताया कि कलाम की जीवनी स्कूल से लेकर कॉलेज तक के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। अगले साल से इसकी शुरुआत की योजना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया है कि किशनगंज कृषि महाविद्यालय का नाम अब डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय कर दिया जाएगा। वाराणसी में गंगा घाट पर भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को उन्हें समर्पित किया गया। गंगा आरती में शामिल हर किसी ने दीप जलाए और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुरादाबाद में भी शोक की लहर है। वहां एक स्कूल में बच्चे ने 5 फीट लंबा पोर्ट्रेट बनाया और श्रद्धांजलि दी। उनकी याद में छात्रों ने कैंडल लेकर प्रार्थना भी की। मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में कलाम को श्रद्धांजलि दी है।
उन्होंने पुरी में समंदर किनारे बालू से कलाम की तस्वीर उकेरी और उन्हें याद किया। बड़ी संख्या में वहां पर आए लोगों ने भी कलाम को नमन किया। पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हो गया है। उसके साथ ही उन आतंकियों की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आ गई है जिन्होंने बस और थाने पर हमला बोला। आतंकियों के गुरदासपुर में दाखिल होने की तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इन तस्वीरों में कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन वर्दी में तीन आतंकियों के आने का पता जरूर चलता है। इनसे ये कुछ तो ग्रेनेड लेके आए थे और AK-47 जिसमें आर्मर पियर्सिंग एमुनिशन थी। गुरदासपुर में हमला करने वाले आतंकियों के रूट का पता चल गया है। बताया जाता है कि तीनों पाकिस्तान के शकरगढ़ से रावी पार कर घरोट गांव पहुंचे। उसके बाद वे बमियाल में दाखिल हुए, फिर वहां से तीनों आतंकी दीनानगर पहुंचे और हमला किया। रावी नदी का यही वो इलाका है जहां से घुसपैठ की बात कही जा रही है। फिलहाल इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। 27 जुलाई को हमले के बाद पहली बार दीनानगर थाने के अंदर की तस्वीर आई है जहां गोलियों और ग्रेनेड से हमलों के निशान साफ दिख रहे हैं। थाने के अंदर कई सामान बिखरा पड़ा है, दीवारें वहां हुई फायरिंग की गवाही दे रही हैं। पाकिस्तान ने बैठक रद्द किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित के साथ प्रस्तावित मीटिंग रद्द कर दी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी पाक उच्चायुक्त के चंडीगढ़ दौरे को लेकर उनके निवेदन को खारिज कर दिया। गुरदासपुर आतंकी हमले में शहीद SP बलजीत सिंह का आज कपूरथला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। घर वालों ने कल शहीद SP के बेटे और बेटी के लिए नौकरी की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने SP के परिवार वालों से मंगलवार को मुलाकात की। दीनानगर में शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पठानकोट में शहीदों को आखिरी विदाई देते वक्त पूरे इलाके में मातम छा गया। पठानकोट अमृतसर सेक्टर पर रेलवे ट्रैक पर बम का खुलासा करने वाले पेट्रोल मैन को रेलवे सम्मानित करेगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात अश्विनी कुमार की जमकर तारीफें की है। गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद दिल्ली के पहाड़गंज में पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस वालों ने औचक निरीक्षण किया। होटल गेस्ट हाउस मालिकों और दुकानदारों को सेफ्टी गाइडलाइंस पालन करने की भी हिदायत दी गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर बस टर्मिनल पर मॉक ड्रिल भी कराई गई। इसमें सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सिविल डिफेंस के लोग भी शामिल हुए। आतंकी हमले की सूरत में लोगों को उससे निपटने के लिए उपाय भी बताए गए। गुरदासपुर आतंकी हमले के मामले में VHP नेता प्रवीण तोगड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोग साड़ी शॉल आम के लेन देन करने और हाथ मिलाने के फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। वहीं भारत की पाकिस्तान नीति फेल हुई है। तोगड़िया ने मोदी की नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। मेरा विश्वास था कि नरेंद्र भाई मोदी दाऊद को कानूनी प्रक्रिया से फांसी दिला पाएंगे। पाकिस्तान से आतंकवादी AK-47 लेकर हमारे पंजाब तक पहुंच गए हैं और पंजाब से दिल्ली कोई दूर नहीं है। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक और व्यापम और ललित मोदी को लेकर कांग्रेस का विरोध, तो दूसरी ओर सहयोगियों की नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना संसद की ज्वाइंट कमेटी में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगी। मंगलवार को NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर लैंड बिल पर बैठक हुई। इसमें शिवसेना नेता आनंद राव भी पहुंचे। खबरों के मुताबिक शिवसेना ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट देगी। वहीं आज लैंड बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल की मीटिंग भी होनी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उस विवादित पोस्टर को हटा दिया है जिसमें सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया गया था। पोस्टर में कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी हमें काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। दरअसल पोस्टर 5 दिन पहले तब लगे थे जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ठाणे के ठाकुरली इलाके में 3 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा जमींदोज हो गया। हादसे में देर रात तक 2 लोगों का शव निकाला जा चुका था।
जबकि कई लोग मलबे में दबे हुए थे। उन्हें निकालने के लिए पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये इमारत 35 से 40 साल पुरानी थी और यहाँ करीब 20 परिवार रहते हैं। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की से निष्कासित सभी 72 छात्रों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कल कोर्ट ने छात्रों की विशेष याचिका खारिज कर दी। निष्कासित छात्रों ने विशेष अपील कर अदालत से राहत मांगी थी। पहले एकल पीठ ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यानी हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही उनके निष्कासन पर मुहर लग गई है। उन दो छात्रों को मिली राहत पर भी रोक लगा दी गई है जिन्हें एकल पीठ ने पिछले दिनों राहत दी थी। उबर ओला कैब जैसी रेडियो टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी या नहीं, इसका फैसला आज दिल्ली हाईकोर्ट में हो जाएगा। अदालत आज तमाम पहलुओं पर अपना फैसला सुनाएगी। अभी तक डीजल पर चल रही ऐसी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने ये कहकर बैन लगा दिया था कि ये महिला यात्रियों के लिए असुरक्षित हैं। पश्चिमी राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से तालाब और बांध पानी से लबालब भर गए हैं। ज्यादा पानी के कारण जालौर का पंचाला बांध टूट गया है, जिसका पानी तेजी से सांचौर शहर की ओर बढ़ रहा है। स्कूटर पानी के अंदर बह रहे हैं, घर का सामान पानी में बह रहा है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन फिलहाल आपदा प्रबंधन में लगा हुआ है। सभी स्कूलों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई है। धौलपुर में धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं। चंबल नदी पर ट्रैफिक को कल शुरू कर दिया गया। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो जाने की वजह से यातायात रोक दिया गया था। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ से यातायात ठप हो गया था। लगातार हो रही बारिश ने मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और कच्छ में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। अहमदाबाद बनासकांठा में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव अलर्ट पर हैं। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई है। यूपी के बलिया में एसिड अटैक का मामला सामने आया है। वहां एक फिल्म की शूटिंग के बाद सो रही महिला कलाकार पर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। आरोपों के मुताबिक वो लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो किसी दूसरे लड़के से लड़की के बात करने पर नाराज था। फिलहाल पीड़ित लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने अगवा बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने फिरौती के 17 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। बच्चे का अपहरण 23 जुलाई को हुआ था। अगले दिन अपहरण करने वालों ने पीड़ित के घर वालों को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। हालांकि 17 लाख की फिरौती देने पर बात बनी। इसी बीच देहरादून पुलिस ने आरोपियों के फोन सर्विलांस पर रखकर जानकारी जुटाई और फिर एसटीएफ, एसओजी और हरिद्वार पुलिस की मदद से उसे रिहा कराया। मथुरा में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने लाश को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप गांव के ही कुछ लड़कों पर है। 12 साल की पीड़ित के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर में छात्रा के आत्मदाह के बाद हुए बवाल और फिर पुलिस की गोली से एक छात्र की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। दरअसल पुलिस ने आत्मदाह करने वाली छात्रा की लाश को रात में ही जबरन यमुना नदी में बहा दिया था। साथ ही हंगामा प्रदर्शन के मामले में छात्रा के पिता और भाई और चाचा पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। आरोप ये भी है कि उनकी जमकर पिटाई भी की गई। इस मामले में जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भारत पाक क्रिकेट पर बीसीसीआई के ताजा रुख का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बेशक दोनों देशों के बीच सीरीज एंटरटेनिंग और हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन बॉर्डर पर और गुरदासपुर में जो कुछ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय रिकर्व आर्चरी टीम ने जापान को 5-4 से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह बना ली है। भारतीय टीम में दीपिका के अलावा रिमिल और लक्ष्मी रानी भी शामिल है।
एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से बर्मिंघम में होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-1 से बराबर है। ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स में मिली अपनी शानदार जीत के लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। मंगलवार को बारिश की वजह से प्रैक्टिस रोकनी पड़ी थी, लेकिन मैच के दौरान मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।